हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ज़रूर बताना। तो ये है मेरा अक्षरा सिंह इंस्पायर्ड मेकअप लुक, जो कि मैंने बहुत मेहनत से क्रिएट किया है। तो सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे आ ही गए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर करिएगा और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा आप लोग को, भूलिएगा नहीं। और मैंने कोशिश किया था उनका इंस्पायर्ड मेकअप लुक करने के लिए, तो पता नहीं कितना मैंने कर पाया कितना नहीं, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस मेकअप लुक को क्रिएट करने के लिए मैंने कैसे क्या क्या किया था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस का किया CTM, तो उसके लिए मैंने ले लिया है गुड वाइब्स का कुकुम्बर टोनर, जो कि बहुत सही रहता है फेस का टोनिंग करना। उसके बाद देन मैंने ले लिया है वाओ स्किन साइंस का मॉइस्चराइज़र, जो कि ऑयली स्किन के लिए स्पेशली, तो मैं उसको अच्छे से अपने फेस को मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। देन उसके बाद मैंने ले लिया है ये है पर्पल का प्राइमर, तो मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग और बेस हमारा फ्लॉलेस दिखे उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने फेस पे प्राइमर लगाएं। उसके बाद प्राइमर लगाने के थोड़ी देर बाद हमने ये लिया है मेबेलिन फिटमी का फाउंडेशन, और ये फाउंडेशन बहुत ही थिन है और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ और या फिर आप ब्रश के साथ चाहे जैसे भी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाता है, तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल हो आप लगा सकते हैं। तो डॉट डॉट करके मैंने लगा लिया अपने आँख के ऊपर, मैंने लगा लिया अपने आईज़ पे, ताकि ऐसे प्राइमर ये वर्क करे। उसके बाद ये पुणे स्टोर का ब्यूटी ब्लेंडर है, इसको मैंने पानी में सोक करके अच्छे से निचोड़ लिया था, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है बेस मेरा। उसके बाद अब मैंने ले लिया है ये सेम मेबेलिन का कंसीलर, जो कि बहुत ही अच्छा कंसीलर है, तो मैं अपने अंडर आई कंसील कर लूँगी और देन उसके बाद अपने आई के ऊपर भी लगा लूँगी एज ए प्राइमर। उसके बाद मैं लिप के अराउंड भी लगा लूँगी जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है। देन उसके बाद मैं सेम उसी ब्यूटी ब्लेंडर से लेके मैं अपने कंसीलर को मैं कर लूँगी ब्लेंड। और उसके बाद अब कंसीलर को सेट करना है, तो मैं ले लूँगी कलर बार का कॉम्पैक्ट, उसके हेल्प से मैं अपने कंसीलर को कर लूँगी सेट, वो भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और पूरे फेस को मैं उसी से सेट कर लूँगी। तो आप देख सकते हो और बहुत ज़रूरी रहता है कॉम्पैक्ट लगाना। उसके बाद मैं अपने ब्रो को फिल कर लूँगी, तो उसके लिए मैंने ले लिया है वेट एंड वाइल्ड का ब्रो किट। इसमें तीन कलर होते हैं, एक वाइट कलर होता है जो वैक्स होता है, जो कि आपके आईब्रो को बहुत अच्छे से सेट कर देता है एज ए जेल जैसे सेट वेट होता है, तो ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा है ये। ये मैंने रियल टेक्निक का एंगुलर ब्रश लिया है, उसके हेल्प से मैं अपने आईब्रो को सेट कर लूँगी, आप देख सकते हो। तो दोनों आईब्रो मेरे हो गए हैं कंप्लीट। उसके बाद अब मैंने ले लिया है सेम कंसीलर, वही लेके मैं अपने आईब्रो को अच्छे से मैं शार्प कर लूँगी अच्छे से, ताकि बहुत ही नीट और क्लीन दिखे मेरी आईब्रोज़। तो देखिए मैं अच्छे से लगा के अच्छे से उसको, एक रियल टेक्निक का सेम ये ब्रश है और मैं फ्लैट ब्रश थोड़ा सा ली हूँ। उसके बाद मैंने अच्छे से अपने ब्रो को कर लिया है शार्प और मैं ब्लेंड कर लूँगी प्रॉपर तरीके से। उसके बाद मैंने पाउडर भी लगाया था कॉम्पैक्ट। उसके बाद ये है ब्यूटी क्लेजेट का आई शेडो, और इसमें से मैंने ये वाला रूबी कलर, या फिर आप जो भी रेड या फिर पिंकिस जो भी देख सकते हैं, मैंने लेके अपने क्रीज पे लगा लिया है और मैंने अपने जितना मुझे डिज़ायर कलर चाहिए मैंने लेके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है, आप देख सकते हो। उसके बाद ये मैंने ब्राउन शेड वाला कलर लेके अपने आउटर वी पे मैंने ऐसे लगा लिया है। अक्षरा की जो आई मेकअप है वो गोल्डन थोड़ा सा है, तो मैं सेम वही करूँगी ऐसे ही। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्लेंड करने के बाद ये मैं ब्रश की हेल्प से ही ये मैंने गोल्डन शेड लेके अपने हाफ आई लिड तक पूरा मैंने ऐसे अच्छे से मैंने लगा लिया, आप देख सकते हो। तो उनका आई मेकअप सेम एग्जैक्टली ऐसे ही था, मुझे समझ में आ रहा था, तो सेम मैंने वैसे ही लगा लिया। उसके बाद फिर मैं लगा लूँगी ये है लैक्मी का इंस्टेंट लिक्विड आईलाइनर, तो मैं विंग ड्रा कर लूँगी अच्छे से। किस किस को लाइनर लगाने नहीं आता है ज़रूर बताना, कमेंट करना आप लोग। और हाँ,
आईलाइनर हमेशा ना आपको छोटे छोटे स्ट्रोक में लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप आई मेकअप कंप्लीट कर लोगे अगर थोड़ा सा भी इधर उधर लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा आपका आई मेकअप ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का प्रॉपर आप ख्याल रखें। फिर उसके बाद मैं फाल्स लेसेस लगा लूँगी। देन उसके बाद मैंने लगा लिया है थोड़ा सा काजल, और ये है काजल प्लम का, जो कि बहुत ही अच्छा काजल है। उसके बाद मैं कर लूँगी अपने फेस का कंटूरिंग, क्योंकि उनका जो फेस है बहुत ही पतला वाला फेस है, तो मेरा फेस भरा भरा है तो कंटूरिंग करना बहुत ज़रूरी था। तो जहाँ जहाँ मुझे करना है कंटूरिंग मैं कर लूँगी, आप लोग देख सकते हो। तो मैं ले लूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से, मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एन वाई बी का कंटूर जो है ये बहुत ही क्रीमी है, तो ब्लेंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो ये अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्लेंड हो जाता है। तो मैंने ब्लेंड कर लिया, उसके बाद अब मैं लगा लूँगी ब्लश। तो ये है रेवोल्यूशन का ब्लश और हाइलाइटर पैलेट। तो इसमें से मैं पिंक शेड लेके मैं अपने एप्पल अप चिक पे मैं अच्छे से लगा लूँगी ब्लश। उसके बाद ये है रेवोल्यूशन का मेकअप सेटिंग स्प्रे, जो कि मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो मैं स्प्रे करके और ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी कि ताकि मेरा मेकअप इवन दिखे। और फिर मैं लगा लूँगी हाइलाइटर, और जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइट करना है, तो देखिए आप देख सकते हैं मैंने नोज़, चीक और क्यूपिड बो और फोर हेड, जहाँ जहाँ मुझे चिन वगैरह जहाँ करना है मैं कर लूँगी। हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी होता है, और ब्रो बोन के नीचे भी मैं देखिए हाईलाइट कर लूँगी। तो मेरा ऑलमोस्ट मेकअप कंप्लीट हो चुका है, मैं इनर कॉर्नर पे हाईलाइट कर लिया मैंने। उसके बाद लास्ट बचता है मेरा मास्करा, जो कि मैं अक्सर भूल जाती हूँ, बट अब मुझे बहुत ख्याल आने लगा है। तो मैं लगा लूँगी दोनों आईज़ पे मास्करा, आई लैशेज पे, और नीचे भी लगा लूँगी, जो कि बहुत अच्छा लगता है लगाने के लिए। और सेम उसके बाद मैं न्यूड शेड, ये है मेबलिन का 225 न्यूड शेड है, लिपस्टिक लगा लूँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइएगा कि मैं उनकी तरह कितना लग रही हूँ, ज़रूर प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ मैंने लिपस्टिक का शेड मैंने चेंज कर लिया है, आप देख सकते हो, और मैंने दो कलर की लिपस्टिक लगाई थी। तो कौन सी वाली आपको अच्छी लग रही थी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग। तो मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।